करनाल के गांव मंचरे में आज उस समय सनसनी फैल गई जब दो पक्षों में 22 कैनाल जमीन को लेकर विवाद हो गया, जिसमें दो पक्षों में गोलियां चली और तेज धार हथियारों से एक दूसरे पर हमला बोल दिया, जिसमें दोनों पक्षों के करीब दर्जन लोग घायल हो गए, जिसमें से चार लोगों को गोलियां लगी और चार लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए कल्पना चावला मेडिकल में भर्ती कराया गया है। कब्जा कर रहे गाँव में तुम बारा ठीक है, सारा गांव चल गया, ट्रैक्टर जला दिए, मोटर चौक रही ठीक है। कितने लोगों को लगी गोली है, कितने घायल हुए हैं? अच्छा, वही पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। जलमाना चौकी में स्थित मंचूरी गांव में एक आज सुबह 22 कनाल जमीन के ऊपर दो पक्षों के अंदर हाथापाई, फायरिंग और झगड़ा हुआ है, जिसके अंदर 100-100 गज के प्लॉट वहां पे काट कर एक कम्युनिटी को दे रखे थे और उसके ऊपर स्टे भी पता लगा कि स्टे भी कोर्ट के द्वारा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद दूसरे पक्ष द्वारा वहां पे कब्जा की नियत से ट्रैक्टर ट्राली लेकर आए और उसको मद्देनजर रखते दोनों की आपस में झड़प हो गई और अभी उपचार के लिए दोनों पक्ष कोर्ट के अंदर यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर चार चार दोनों पार्टीज के दो चार चार जो बंदे हैं वो अमलार वगैरह कटवा रखी है उन्होंने, तो उसी के अकॉर्डिंग अभी आगे पुलिस कार्रवाई करवा रही है। जो अभी तक प्रिलिमिनरी जानकारी आई है उसके अंदर अराउंड चार लोगों को फायर आर्म इंजरी है और चार लोगों को शार्प इंजरी है।